अगर आप इंस्टाग्राम यूजर एंड ऐसे में जो आप स्टोरीज अपलोड करते हैं तो जरूर से आपने जो है जय श्री राम वाली टेम्पलेट देखी भी होगी एंड आपने यूज भी करी होगी। इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, लेकिन अगर आप चाहते हो इसी तरीके की टेम्पलेट क्रिएट करना अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे, कैसे कर सकते हैं इस वीडियो में सबसे ईजी तरीका बताने वाला हूँ। हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहन, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। वीडियो एंड तक देखते रहना, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूंगा, आप जो है सिर्फ जय श्री राम वाली टेम्पलेट नहीं, आप कोई सी भी टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हो इंस्टाग्राम स्टोरी के लिए, चाहे आप हनुमान जी के लिए, चाहे आप किसी भी पर्पज के लिए कोई भी टेम्पलेट आप क्रिएट कर सकते हो। तो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, आप सभी को बताने वाला हूं कैसे आपको बनाना है। तो मैं आ चुका हूं मेरे अकाउंट पे, अगर आप फॉलो करना चाहते हो फॉलो कर सकते हैं। अभी आपको क्या करना है, यहां पे जाता हूं स्टोरी में एंड आपको कोई भी फोटो सिलेक्ट कर लेनी है एंड उसके बाद आपको जाना है यहां पे स्टिकर्स के ऑप्शन पे एंड आपको ऐड योर्स वाली टेम्पलेट जो आ रहा है यहां पे आपको क्लिक करना है। जैसे आपको ये अप्लाई हो जाएगा, आपको क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसको मैं यहां पे साइड में एडजस्ट कर देता हूं। अब इसके बाद आपको जाना है किसी भी ब्राउजर पे एंड वहां पे आपको कोई भी क्लिप आर्ट या फिर जो भी आप जिस पे रिलेटेड बनाना चाहते हो, जैसे मैं अयोध्या टेंपल पे बनाना चाहता हूं जो इनॉग्रेशन होने वाला है, तो यहां पे मैं राम मंदिर को ले लेता हूं एंड यहां से कॉपी कर लेता हूं। अब डायरेक्टली मैं इंस्टाग्राम में पेस्ट कर दूंगा, आप देख पा रहे हैं कितना प्यारा लग रहा है। अब मैं चाहता हूं इसके पीछे बैकग्राउंड ऐड करना, तो यहां पे मैं एक ऑरेंज कलर भगवा कलर का जो यहां पे बैकग्राउंड भी लगा देता हूं, जिसको मैं पीछे बैकग्राउंड में ऐड करना चाहता हूं। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, इसको लॉन्ग प्रेस करूंगा। अब यहां पे आप लेयरिंग कर सकते हो एक तरीके से, इंस्टाग्राम के ऊपर जो है आप बैकग्राउंड फ्रंट में लाना वो सब आप यहीं से कर सकते हो। जैसे मैंने बैकग्राउंड बैक पे भेज दिया, कितना ज्यादा सही लग रहा है। अब अपनी फोटो को थोड़ा नीचे कर देता हूं, ज्यादा ऊपर होगी थी। एंड इसके बाद यहां पे अगर मैं चाहता हूं जय श्री राम लिखा भी हो यहां पे स्टिकर टाइप में, तो वहां पे मैं गूगल से भी डाउनलोड कर सकता हूं, आपको काफी सारे मिल जाएंगे, लेकिन मेरी गैलरी में ऑलरेडी ये सेव है। तो यहां पे मैं इस पीएनजी को ले लेता हूं। अब ये पीएनजी को मुझे हाईलाइट करना है, तो यहां पे मैं चाहता हूं एक सर्कल दिखे, तो सर्कल जैसे मैंने यहां पे ले लिया टेक्स्ट में, अब इस सर्कल को बड़ा कर देता हूं, थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए। एंड इसके बाद जो यहां पे इसको मैं जय श्री राम को इसके ऊपर लिख देता हूं। अब बस गाइस, इसके ऊपर मैं जो है जय श्री राम वाला स्टिकर ऐड कर देता हूं। आप देख पा रहे हो कितना ज्यादा यूनिक एंड कितना ज्यादा अट्रैक्टिव, कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है। अब अगर मैं चाहता हूं यहां पे जय श्री राम लिखना भी, तो यहां पे मैं जाऊंगा टेक्स्ट पे एंड जय श्री राम लिख सकता हूं। अब आपको किसी भी कलर में, किसी भी फॉन्ट में आपको लिख देना है। अब जैसे अपने हार्ट के पास रखना चाहता हूं, दिल के पास, तो यहां पे मैं अपने दिल के पास रख देता हूं, जय श्री राम लिख देता हूं एंड दैट इज इट। आप देख सकते हो कितनी प्यारी हमारी स्टोरी लग रही है, हमने सिर्फ 2 मिनट में क्रिएट कर दी है टेम्पलेट। अब यहां से शेयर करूंगा तो आप देख पा रहे हैं शेयर होने लग गया है। अब अगर कोई भी मेरी स्टोरी पे आएगा तो आप देख पा रहे हैं इस तरीके से, अब जो टेम्पलेट को यूज करना है तो वह ऐड योर्स के ऊपर क्लिक करके अब ऐड योर्स करेगा, तो यहाँ पे इस तरीके से वो टेम्पलेट को यूज कर सकता है। अब यहाँ पे वो ऐड भी कर सकता है इसमें चीजें। अब इससे फायदा क्या होगा, आपके अकाउंट की रीच भी बढ़ेगी कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप इसको क्रिएट करते हो तो आपके अकाउंट की रीच, स्टोरी व्यूज भी बढ़ेंगे। तो ये सब तो चीजें साइड रखते हैं, खैर इसके लिए नहीं बता रहा मैं आपको, लेकिन उससे भी ज्यादा कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है टेम्पलेट एंड आप देख पा रहे हो कोई भी इसको देखेगा तो जरूर से बोलेगा भाई कैसे बनाई, तो आप इस वीडियो को जरूर से शेयर कर देना। अब आप यही नहीं, आप और भी अच्छी अच्छी टेम्पलेट्स बना सकते हो। आपको सिर्फ मैंने ट्यूटोरियल वर्जन के लिए बताया था, लेकिन आप और भी ज्यादा क्रिएटिव बनाओ, बहुत ज्यादा अच्छी चीजें बनाओ जो लोगों को पसंद आएगी। तो इस तरीके से आप जो इंस्टाग्राम के ऊपर ऐड योर टेम्पलेट जो है क्रिएट कर सकते हो इंस्टाग्राम स्टोरी के लिए। आप लोग बताना कैसी लगी वीडियो, कमेंट सेक्शन में था। वीडियो में अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करना। ऐसी वीडियोस आप लाते रहता हूं, मिलता हूं नई वीडियो तो के लिए। बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।